अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं आपको आज मोर दिखाता हूँ। ये मेरे बड़े भाई ने रखे हुए हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है सामने वाइट मेल बड़ा, और इसके साथ ये कैमल कलर की हैं। कैमल कलर की ये जो आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये फीमेल है, और इसके साथ ही इसका पट्ठा मेल है। ये कैमल कलर के हैं दोनों, माशाल्लाह। मेल फीमेल यंग है अभी। मेल जो है ना वो उसने दुमनी निकाली, और वाइट जो है ये आपको नज़र आ रहा है, वाइट में इसकी जो है ना वो अभी ये कुरीच कर रहा है, और इसकी दुम जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो ये बड़ा मेल है माशाल्लाह, वाइट जो है। और ये कैमल कलर की हैं, ये अभी यंग है। और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कबूतर, लक्के कबूतर हैं बोधी वाले। और ये अभी आपको शायद थोड़ा डार्क कलर में सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं इधर से आपको चेक कराता हूँ। ये कैमल कलर है इनका, कैमल कलर मतलब जिस तरह ऊँट का कलर होता है उस तरह के हैं ये वाले मोर। अभी मैं आपको पास से चेक कराता हूँ थोड़ा सा, ये पास जाएँ तो ये थोड़ा सा दौड़े भागेंगे। अभी उनको उस साइड, ये अभी ये आपको ये ये आप देखें, ये फीमेल है कैमल कलर की, ये फीमेल है। अभी ये रोशनी में जाएंगी, फिर आपको इनका सही थोड़ा सा वाजा पता चलेगा। ये अभी को कोशिश करता हूँ, इनकी जगह अच्छी बनी हुई है। ये जो स्टिक लगी हुई है, लगे हुए हैं ये इनके बैठने के लिए, क्योंकि ये मोर की फितरत होती है कि ये रात को जो है वो ऊंची जगह पे बैठते हैं, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठेंगे कभी भी। आप बेशक इनके बच्चे ले के आए कुछ अर्से बाद, जब उनको घूमने फिरने लग पड़ेंगे या उनको आप रात को खुला छोड़ेंगे केज के अलावा, तो आप देखेंगे वो ऊंची जगह पे किसी दरख्त वगैरह पे जो है ना वो बैठी हुई आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कोयल, 7-8 साल पुरानी है मेल है। और जो लोग कहते हैं ना कि कोयल घर में नहीं बोलते, उनको मैं चेक कराता हूँ कैसे बोलती है घर में। अच्छा, कब करवाना है? ये मेल है कोयल का, ये तकरीबन 7-8 साल पुराना है और फुल टेम्ड, और घर में बोलता है। ये चेक करें, और ये एक शौक के लिए रखी हुई है घर में, राख का जो है ना, ये पट्टा है तकरीबन 8-9 महीने का, अभी कुरीच कर रहा है थोड़ा सा। और ये देखें कोयल, ये माशाल्लाह फुल बोलती है, जितना जंगल में बोलते हैं ना। अभी थोड़ी सी सर्दी है ना, थोड़ी सी कम, मैं सिटी जरा सी मारूं तो ये फुल